2020 के मुकदमे उनके दो आपस में रंजिश में हुए थे, 187/20, और जिस पर दोनों लड़कों के साथ मिलकर मेरे बच्चे पर कुल्हाड़ी से हमला किया और जिससे वो अजमेर जिले के पुष्कर में 24 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों को पुष्कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। जिला पुलिस कप्तान देवेंद्र विश्नोई ने जानकारी देकर खुलासा किया और बताया कि पुष्कर निकटवर्ती ग्राम किशनपुरा में 24 वर्षीय युवक सूरज मोरे की जमीन के बाद चचेरे भाई से चल रही रंजिश में दोस्तों के साथ मिलकर आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद 48 घंटे में पुष्कर थाना प्रभारी व प्रशिक्षण आईपीएस कांबले शरण गोपीनाथ ने गठित टीम के माध्यम से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वारदात का खुलासा किया गया है। दिनांक 13/3/2024 को प्रार्थी कालूराम मौर्य, जो कि निवासी किशनपुरा पुलिस थाना पुष्कर के हैं, उन्होंने सूचना दी कि मेरा बेटा सूरज, जो कि उनके कहीं ओम काशी साइड से उनके घर की तरफ आ रहा था, तो शाम को तकरीबन 6:15 PM पर एक लड़के का नाम बताया, जो कि नाबालिग है, उसने मेरे बच्चे के साथ विवाद था। पुराना उनका कोई मुकदमे जो है, दो मुकदमे 2020 के मुकदमे उनके दो आपस में रंजिश में हुए थे, 187/20, और जिस पर दोनों लड़कों के साथ मिलकर मेरे बच्चे पर कुल्हाड़ी से हमला किया और जिससे वो गंभीर घायल हुआ, और गंभीर घायल होकर उसे जो है जहर अस्पताल इलाज हॉस्पिटल लेके गए, यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता संगीनता को देखते हुए अभी हमारे एक आईपीएस अधिकारी वहाँ पर SHO शिफ्ट कर रहे हैं कांबले जी, वो प्लस CO रूरल रामचंद्र जी और दीपक शर्मा एडिशनल SP, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की जाकर, और आसपास के जो दो थाने हैं पिसांगन और उन SHO को भी साथ में लिया जाकर, साइबर टीम, FSL सब सबूत जुटाकर जो क्लू हमें मिले, उन क्लू के आधार पर पूरी टीम ने दिन रात एक करते हुए 48 घंटों के अंदर अंदर घटना में शामिल तीनों लोगों को जो है पकड़ लिया, जिसमें जो दो व्यक्ति हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। एक विशाल सिंह पुत्र मेघराज जाति रावत, उम्र 22 साल, सरकारी स्कूल के सामने माता मंदिर मदारपुरा अलवर गेट का रहने वाला है, और दूसरा है धनराज रावत, पुत्र श्री राम सिंह रावत, उम्र 24 साल, सरकारी स्कूल के सामने मदारपुरा अलवर गेट, और तीसरा जो है विधि से संघर्षरत बालक है, जो कि नाबालिग है, और इस बालक ने पुरानी रंजिश देखते हुए 20,000 रुपये में दोनों को अपनी कहानी सुनाकर, आप बीती सुनाकर कि अगर तुम ये मेरे साथ देते हो तो तुम्हें जो है मैं इसके 20,000 रुपये भी दूंगा, और ये पुरानी रंजिश को उससे रंजिशवश मृतक पे हमला किया। तो ये पुलिस की टीम ने जो है बहुत ही मेहनत करके 48 घंटे के अंदर अंदर तीनों को दस्तियाब किया। नहीं, मैंने बताया ना, दो मुकदमे इनके आपस में क्रॉस मुकदमे 2020 में दर्ज हो रखे हैं, 187/20 एंड 188/20। तो ये पुरानी आपस की छोटी मोटी रंजिश थी, पारिवारिक रंजिश थी, जिस पर उसने बालक ने जो है वो उद्वेलित होकर रंजिश रख कर मन में ये कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच का विषय है इसमें, और जो भी पहलू हैं उनको गहनता से जांच की जाएगी, वो जांच से होने पर ही आगे पता लगेगा। ये रास्ते में जाते हुए रोक कर मारा है और कुल्हाड़ी से वार किया था, तो आलाय जर्ब जो भी हैं वो सारे सारे मौके से बरामद हो गए, FSL करवा दी गई है, FSL को मौके पर बुला लिया गया था, और MOB की टीम वगैरह जो भी अपने कार्रवाई होती है, जो भी हमें घटना जनित साक्ष्य मौके से जुटाने होते हैं, उस तमाम FSL की मदद से, एक्सपर्ट ओपिनियन की मदद से लिए जा चुके हैं।